दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं द शेलर टीवीएस अरण्येश्वर पुणे। टीवीएस की सभी स्पोर्ट्स बाइक्स स्कूटर्स आपको यहां पर स्टॉक में और डिस्प्ले पे मिलेगी। आप यहां पर सभी बाइक स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटर्स का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। ये इनका बड़ा और स्पेशियस शोरूम है। द शेलर टीवीएस अरण्येश्वर पुणे का हेल्पफुल एंड ट्रेन स्टाफ आपकी थ्रू आउट प्रोसेस हेल्प करता है। आज हमारे सामने है टीवीएस की मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट स्टाइलिश स्ट्रीट बाइक टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V। टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है। इसके ब्लेंड स्टाइल, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। ये मोटरसाइकिल आपके डेली यूज के लिए काफी कंफर्टेबल है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहने वाले है बजाज पल्सर N160 से। बाइक की साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। ये बाइक अवेलेबल है 6 वेरिएंट्स और 7 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इस बाइक का ग्लॉसी ब्लैक कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। सबसे पहले हम बात करने वाले इस बाइक के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट के लुक काफी अट्रैक्टिव और एग्रेसिव लगते हैं। हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स, टेल लाइट्स आपको इस बाइक में एलईडी मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। AHO यानी ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन के साथ ये बाइक आती है। अब हम बात करने वाले इस बाइक के सस्पेंशन, ब्रेक और टायर्स के बारे में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। 17 इंच के बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर की साइज है 90x90-17 की। रियर टायर की साइज है 110x80-17 की। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलता है। ABS के साथ ये बाइक आती है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स के साथ ये बाइक आती है। बाइक की फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ ये बाइक आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका डिजिटल कंसोल देख रहे हैं। कीज की पोजीशन, मैनुअल कीज आपको इस बाइक में मिलती है। कीज के ऊपर टीवीएस का लोगो, टीवीएस की बैचिंग मिलती है। अभी हम इसका स्विच ऑन करने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है। फ्यूल गेज, डिजिटल फ्यूल गेज के साथ ये कार आती है। हजार वार्निंग इंडिकेटर आपको इस बाइक में मिलता है। टैंक की डिजाइन काफी स्टाइलिश और एरोडायनामिक लगती है। टैंक के ऊपर आपको टीवीएस का लोगो मिलता है। लाइट के कंट्रोल्स, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट साइड को किल स्विच, ड्राइविंग मोड का बटन, लाइट के कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्विच मिलता है, फ्यूल लिड ओपनर, 160 की बैजिंग, E20 की बैजिंग आपको फ्यूल लिड ओपनर के ऊपर मिलती है। इस बाइक की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। कंटिन्यूस सीट आपको इस बाइक में मिलता है। ग्रैब रेल, RTR 164V की बैजिंग, रियर प्रोफाइल काफी स्टाइलिश लगती है। अपाची की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। रियर ब्रेक, टीवीएस का लोगो आपको इंजन के ऊपर मिलता है। इस बाइक में आपको मिलता है 159.7 cc का पावरफुल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 17.31 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 14.73 Nm। हाइपर एज की बैजिंग आपको फ्रंट में मिलती है। इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, अर्बन, रेड। हाई स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है। चेन ड्राइव आपको ट्रांसमिशन के लिए मिलती है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न है 1 down 4 up का। सिंगल सिलेंडर आपको इस बाइक में मिलता है। रियर फुटरेस्ट, मफलर की डिजाइन हम रियर में देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डिजाइन आपको यहाँ पर मिलती है। रियर अलॉय व्हील्स, रियर की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। ग्रैब रेल की डिजाइंस, टेल लाइट्स, LED टेल लाइट्स के साथ ये बाइक आती है। टर्न इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह, नंबर प्लेट लाइट्स, रियर रिफ्लेक्टर, CDI इग्निशन के साथ ये बाइक आती है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है। इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। ट्रांसमिशन के लिए चेन ड्राइव मिलती है। फुटरेस्ट, मिडिल स्टैंड, साइड स्टैंड हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अपाचे की बैजिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। रियर सस्पेंशन आपको इस बाइक में डबल क्रैडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिप चेसिस मिलती है। रियर की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। बाइक का कुल वेट है 144 kg। सीट हाइट है 800 mm। आपको इस बाइक में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 1.357 m के व्हील बेस के साथ ये बाइक आती है। बाइक के लुक्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हम बात करने वाले इस बाइक के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस बाइक में मिलती है 5 साल की 60,000 km की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। आपको इस बाइक में GTT यानी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया और यूजफुल फीचर है।
गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर के साथ ये बाइक आती है। आपको 12 वोल्ट की बैटरी इस बाइक में मिलती है। अट्रैक्टिव लुक्स, बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये बाइक आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स जयंत देवकर सर, मैनेजर ऑफ द सेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ द सेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे एंड सेलर ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेलर टीवीएस अरुणेश्वर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की स्पोर्ट्स बाइक, बाइक और स्कूटर खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।